हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एकदम न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैंने 2 आलू लिया है क्योंकि मैंने 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। सोया लिया है, टमाटर लिया है, इसे हम आलू सोया की सब्जी बोलते हैं, आलू सोया सरसों की। मेथी लिया है छौंका लगाने के लिए। लास्ट में हमने सामग्री की लिस्ट दे रखी है। इसमें मसाला है हरी सेंस का, हल्दी पाउडर है, खटाई है, ये पीली सरसों है। 2 लोगों के लिए सब्जी है तो छोटा चम्मच से दो चम्मच लगेगी। ये लहसुन और मिर्च है, ध्यान में रहे कि रेड रेड कलर की ही मिर्च होनी चाहिए। सरसों को इसमें मिक्स करके ये आलू है, आलू को हमने लंबे लंबे पीसेस में काट लिए, आप देख सकते हैं ऐसे ही लंबे पीसेस काटने हैं। टमाटर भी हमने कट कर लिया है और सोया भी हमने कट कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। मसाले को हम ग्राइंडिंग जार में रख के हल्का पानी ऐड करेंगे इसमें। हमें ग्राइंड कर लेना है। मसाला हमारा पिस चुका है, हम पलट लिए हैं किसी बर्तन में। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें ध्यान में रहे दोस्तों कि पीतल की कढ़ाई होनी चाहिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी कढ़ाई में आप बना सकते हैं। ऑयल डाला हमने, ऑयल गर्म हो गया है, हम आलू को फ्राई करेंगे, आप देख पा रहे हैं। हल्का ब्राउन होने तक आलू को फ्राई करना है। आप देख पा रहे हैं हल्का ब्राउन हो गया है आलू। अब इसे हम तेल गार के निकाल लेंगे। अब हम मेथी से छौंका देंगे। मसाला डालेंगे, मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे। अब देख रहे हैं मसाला हमारा भुंज रहा है, मसाला हमारा भुंज कर रेडी है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर वाला मसाला जो रखे थे उसको हमने डाल दिया है। अब हम टमाटर ऐड करेंगे, सोया ऐड करेंगे और इसको टमाटर जब तक गल ना जाए तब तक हमें भूनना है। टमाटर को एकदम महीन कर देना है, नमक ऐड करना है। पलटे की मदद से, कलछली की मदद से आप टमाटर को जैसे हम महीन कर रहे हैं वैसे ही महीन कर देना है। जब तक तेल ना छोड़े। अब इसके बाद हम आलू को मिक्स करेंगे इसमें। आप पास से हम दिखाते हैं आपको, देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है, तो सोचिए बनेगा कितना अच्छा। अब हम पानी ऐड कर देंगे। इसको पकने के लिए हमें छोड़ना है ढक करके। एक बार बीच में हम चला लेंगे, देख लेंगे सब्जी पकी या नहीं, चेक कर लेंगे। आलू हमारी पक गई है। इसमें अब हम खटाई ऐड कर देंगे। इसको फिर पकने के लिए ढक करके छोड़ देंगे। खटाई पहले पड़ने सब्ज़ी नहीं पकती, इस वजह से हमने बाद में ऐड की है।
आप देख पा रहे हैं मेरी सब्ज़ी रेडी है, अब हम सर्व कर रहे हैं। अगर आज की आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मेरी रेसिपी कैसी लगी?